हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीसी ऑटोमोबाइल्स में। आज अपने पीछे खड़ी है महिंद्रा की थार, महिंद्रा का ब्लैक हॉर्स। आज आपको ब्रेजा, वेन्यू, स्विफ्ट, i20 के प्राइस में आपको आज एक थार मिल रही है। तो आप देख सकते हैं थार की एक शोरूम प्राइस सुनकर ही आप शॉक हो जाएंगे। थार की एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 12,04,500 रुपीज़ में अपने को एक थार रियर व्हील ड्राइव मिल रही है। थार की कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है, फ्लिप की देखने को मिलती है। थार की लॉक अनलॉक टू स्विच टू की देखने को मिलती है। थार के फ्रंट लुक की बात करें तो राउंड हेडलाइट, महिंद्रा की बैजिंग, ग्रिल, एलईडी इंडिकेटर, फॉग लैंप, थार की बैजिंग, कुछ इस प्रकार का फ्रंट व्यू देखने को मिलता है थार का। साइड से बात करें तो कुछ इस प्रकार का व्यू देखने को मिलता है थार का, इंडिकेटर। थार के व्हील साइज की बात करें तो 255 16R 18 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं थार के अंदर। फ्रंट टू डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं और को मिलते हैं। थार की बैजिंग, विंडशील्ड, वाइपर, ये इसके ORVM, ये थार का फुट स्टेप। साइड व्यू कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है थार का। तो हम इसके बैक लुक की बात करें तो कुछ इस प्रकार का बैक लुक देखने को मिलता है थार का। स्पेयर व्हील अपने को बूट पे मिलता है। ये भी अलॉय व्हील देखने को ही मिलता है। हाई माउंट टॉप लैंप, डिफॉगर, बैक टेल लाइट, रिफ्लेक्टर, ये एग्जॉस्ट टेल पाइप, सिंगल एग्जॉस्ट टेल पाइप देखने को मिलती है थार में। अब हम इसके बूट ओपन करके देखते हैं। अब हम थार की बूट ओपन करके देखते हैं। ये टू पार्ट में ओपन होती है थार का बूट, ये क्वार्टर ग्लास पैनल। थार की बूट स्पेस की बात करें तो अपने को 18 लीटर की बूट स्पेस देखने को मिलती है थार में। ये कुछ पुल्स, 18 लीटर की बूट स्पेस देखने को मिलती है थार में। ये वापस कुछ इस प्रकार क्लोज भी होती है। अब हम इसका ड्राइवर साइड डोर ओपन करके देखते हैं। काफ़ी हेवी डोर देखने को मिलता है थार का। ये थार की बैजिंग, ORVM के कंट्रोल, वन बोतल होल्डर, कुछ डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस, कुछ इस प्रकार का इंटीरियर देखने को मिलता है थार का। इलेक्ट्रिक कली एडजस्टेबल सीट नहीं देखने को मिलती, मैनुअली एडजस्टेबल सीट है। हाइट एडजस्टेबल मिलती है सीट। ये इसके हेडरेस्ट देखने को मिलती है सीट। तो अब हम इसके अंदर बैठते हैं। तो अब हम थार के अंदर चलते हैं। ये कुछ इस प्रकार का, ये थार की स्टेयरिंग, ये इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल, ये बटरफ्लाई लोगो, एसी वेंट। इसके मीटर की बात करें तो डिजिटल मीटर और एनालॉग मीटर दोनों ही देखने को मिलते हैं। RPM मीटर, स्पीड, फ्यूल, टेम्परेचर, किलोमीटर, टाइम,
और काफी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये वाइपर के कंट्रोल, ये लाइट के कंट्रोल, ये इसका सनवाइजर, ड्राइवर साइड सनवाइजर, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर देखने को मिलता है। ये डे नाइट ओआरवीएम मैनुअली है। टच स्क्रीन, 8 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलती है थार में। 2 एसी वेंट, मैनुअली एसी देखने को मिलती है थार में। हैजार्ड लैंप का बटन, हील डिसेंट का कंट्रोल, सीट बेल्ट, ये कुछ इस प्रकार के कंट्रोल देख, ये इस प्रकार के कुछ स्विच देखने को मिलते हैं थार में। और यहाँ पे 1 यूएसबी पॉइंट, 1 ओएक्स, 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। ये थोड़ी सी स्पेस फोन ऑन रखने के लिए। 6 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन देखने को मिलता है थार के अंदर। ये कुछ, ये 4x4 गियर का लीवर के लिए स्पेस छोड़ दी गई है। अब यहाँ अब इसका ग्लव बॉक्स की बात करें तो कुछ छोटा सा ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है आपको, बिल्कुल ही छोटा सा। ये थार की बैजिंग, स्पीकर, 6 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है थार के अंदर। हैंड ब्रेक, विंडो के कंट्रोल, 2 ग्लास होल्डर, तो हम थार के सेकंड रो ये साइड फेंडर एंटीना देखने को मिलता है थार के अंदर। फिर देखते हैं कुछ कैसे फील है। सेकंड रो में जाने के लिए आपको इसकी सीट को कुछ इस प्रकार आगे होती है, और इस प्रकार हम बैक 2 पैसेंजर डोर में सेकंड रो में बैठ सकते हैं। सीट को वापस सही कर लेते हैं। कुछ ठीक ठाक ही स्पेस देखने को मिलती है थार में सेकंड रो में। मैंने अपनी ये 6 फीट के अनुसार मैंने फ्रंट सीट को एडजस्ट करके देखो कुछ इतनी सी स्पेस देखने को मिलती है, ठीक ठाक स्पेस देखने को मिल जाती है थार के अंदर। ये स्पीकर, ट्विटर, ये ग्रैब हैंडल, कुछ इस प्रकार का व्यू देखने को मिलता है बैक सीट से डैशबोर्ड का। इस लीवर को ऐसे ऊपर उठाए और सीट अपने आप आगे चली जाती है। इस प्रकार कुछ इतनी सी स्पेस बाहर आने जाने के लिए देखने को मिलती है थार के अंदर। ये सेकंड रो, तो हम थार के डायमेंशन की बात करें तो थार की लेंथ अपने को 3985 mm की लेंथ देखने को मिलती है, और विड्थ की बात करें तो 1855 mm की विड्थ देखने को मिलती है, और हाइट 1844 mm की हाइट देखने को मिलती है थार की। और तो और ग्राउंड, हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है थार में, और व्हील बेस 2415 है। थार में फ्रंट 2 पैसेंजर के लिए एयरबैग देखने को मिलते हैं। हम थार के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है थार के अंदर। अब आप भी 12 लाख रुपए में थार 4x4 का मजा ले सकते हैं। बस शोरूम से 4x4 की 150 रुपये में 4x4 की बैजिंग यहाँ इंस्टॉल कर ले, और एमहॉक की बैजिंग फेंडर पे इंस्टॉल कर ले, फिर आप भी आप भी अपना जलवा दिखा सकते हैं थार 4x4 के साथ। बस 500 रुपये में अपनी थार को 4x4 बनाएं।
प्रकार थार का बोनट ओपन होता है मैन्युअली। थार मैन्युअली, थार का बोनट मैन्युअली भी ओपन होता है, पर बस वो हुक दिए है थार में मैन्युअली ओपन करने के लिए। यहाँ से अपने को इसको ऐसे प्रेस पुल करने के बाद इस थार का बोनट ओपन होता है। अपने को बोनट पे कोई कपड़ा लगा हुआ नहीं दिखता है थार के अंदर, ये कुछ ओपन ही दिखती है ऐसे पाइप वगैरह। थार के इंजन की बात करें तो 1500 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 160 BHP की पावर देखने को मिलती है थार में। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 300 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है थार में। फोर सिलेंडर, ये बैटरी, वाइपर, थार में वाइपर में पानी डालने के लिए कुछ यहाँ से थार में वाइपर पानी डालने, वाइपर में पानी यहाँ से डलता है थार के अंदर। हॉर्न, टू हॉर्न देखने को मिलते हैं थार में। कुछ इस प्रकार का व्यू आता है बोनट ओपन होने के बाद थार में, कुछ इस प्रकार का व्यू है बोनट ओपन होने के बाद। अब हम थार का बोनट क्लोज कर देते हैं। कुछ इस प्रकार का फ्रंट व्यू देखने को मिलता है थार के अंदर। थार आपका ऑफ रोडिंग किंग, थार एक बादशाह, थार का जो रुतबा है वो किसी और गाड़ी का नहीं है।